सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे फ्लिपकार्ट चला रहा हूँ मैं, और फ्लिपकार्ट जो पिन कोड होता है मैं चेंज करता हूँ, पिन कोड चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, पिन कोड को चेंज करता हूँ और सेव एड्रेस करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा पिन कोड चेंज नहीं हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, पिन कोड में कुछ एरर आ रहा है, करंट पिन कोड एंड लोकेशन डू नॉट मैचेस, ठीक है, यहाँ पे मैच नहीं बता रहे, आपका मैच नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो आप लोग अपना जो पिन कोड होता है, यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन जारी हुई है कि जो पिन कोड होते हैं चेंज कर दिए जाते हैं। तो अपना एरिया का फिर से न्यू पिन कोड को लोकेशन को चेकआउट करेंगे, लोकेशन को ट्रैक करने के लिए आपको यूज़ माई लोकेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यूज़ माई लोकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपकी ऑटोमेटिक लोकेशन यहाँ पे ट्रैक कर ली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका आप पिन कोड नहीं पता है आपको, तो आपको इस तरीके से सर्च करेंगे, ऑटोमेटिक आपका पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे अपना सेव एड्रेस करेंगे, तो आपका यहाँ पे एड्रेस सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका एड्रेस होता है, आपको पिन कोड होता है, उस तरीके से सेव करने में कोई दिक्कत आ रही है, पिन कोड सेव नहीं हो रहा है, तो आप लोग इजी तरीके से अपना पिन कोड यहाँ पे सेट कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।